अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं मौजूद हूँ मलीर में, और कराची शहर में आपको पता है जी पानी का बड़ा मसला है। जगह जगह पर जो है वो पानी नहीं आता, कमेंट में भी भरा होता है जी फलां इलाकों में पानी नहीं आता, फलां इलाकों में नहीं आता। कराची शहर की आज हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी की, जब कराची शहर आबाद हुआ था। उस वक्त पानी किस तरीके से उन आबादियों तक पहुँचाया जाता था, डमलोटी क्या है, और ये डमलोटी के ज़रिए जो है पानी कैसे पहुँचाया जाता था। इसके अलावा आज हम हब डैम या फिर कैंजर झील से पानी को इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त अंग्रेज़ों ने आबादी तक पानी पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया था, डमलोटी क्या है, ये तमाम तर बातों के लिए जो है आज हम आपको लेकर आए हैं डमलोटी के पास, और पूरी जगह को एक्सप्लोर भी करेंगे और आपको इसकी हकीकत बताएंगे, और मुस्तकबिल में ये डमलोटी पानी की फरहमी में कितना मदद देगा कराची शहर को, ये तमाम तर बातें हम जानेंगे। आइए जी, इस वक्त मैं डमलोटी नंबर 6 पर खड़ा हूँ। डमलोटी क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। देखिए जी, डमलोटी एक कुएं का नाम है जिसका नाम जो है वो डमलोटी के नाम से जो है वो रखा गया है। तकरीबन मलीर में 16 कुएं ऐसे थे जो कि बड़े कुएं हैं, जिसको आपने शायद माजी में कभी नहीं देखा होगा, लेकिन मलीर में आपको जो है वो नज़र आएंगे। 16 कुएं थे जो कि कराची शहर में जो है वो पानी पहुंचाने का जो है वो काम करते थे। इसकी अगर हिस्ट्री के बारे में बात करूं, जब 1838 में जब अंग्रेज़ों ने कराची शहर का रुख किया, उन्होंने देखा कराची शहर में जब उन्होंने जब जंग शुरू हुई, तो जब कराची में वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जी कराची शहर में तो जो पानी का बड़ा मसला है। यानी कि उस वक्त 14,000 के करीब जो है वो कराची शहर में आबादी थी, लेकिन उन लोगों ने परख लिया कि यहाँ पर लोग जो है वो मशकीज़े के ज़रिए पानी लेकर जाते हैं, इट्स मीन कि यहाँ पर पानी का मसला है। तो उन्होंने क्या किया कि जी काम शुरू कर दिया पानी को जो है वो ज़खायर को जो ये निकला, उसके बाद इन्होंने जो अपने काम किया, यानी कि जो इतनी ज़बरदस्त और खूबसूरत जो इमारत बनाई है, इसके अंदर आपको जो है वो डमलोटी भी दिखाएंगे, लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको पता हो कि जी 1856 की अगर मैं बात करूँ, उस वक्त के जो मेयर थे जमशेद नसरवान जी, उन्होंने उनको यानी कि लोग बड़े याद करते हैं। आजकल तो हम वसीम अख्तर मेयर को याद करते हैं, मुस्तफ़ा कमाल मेयर को याद करते हैं, लेकिन असल जो मेयर कराची के जो जदीद मेमार जिनको समझा जाता है, जिन्होंने कराची शहर के लिए काम किया, 1856 में जो है उन्होंने तमाम लोगों को इकट्ठा किया। 3 साल तक जो है वो कराची शहर में बारिश नहीं हुई थी, तो उसके बाद कराची में पानी का जो है वो बहुत बड़ा मसला हो गया। उसके बाद तमाम तर मुसलमान, सिख और हिंदू, तमाम मसलक के जो लोग थे, मज़हबी लोग थे, तमाम इकट्ठा हुए और उन्होंने जो है वो क्लिफ्टन पर जाकर दुआएं मांगी, और अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को सुना। और 3 साल के बाद जब बारिशें शुरू हुई, तो मलीर नदी में उसकी तय के नीचे जो है खुश्क ज़खायर के नीचे एक मीठे पानी का ज़खीरा निकला। उसके बाद अंग्रेज़ों ने जो है वो उसके ऊपर काम शुरू किया जी। 1883 में ये कुएँ जो है वो बनाए गए, ताकि वो जो ज़खायर निकाला गया, जो ज़ेरे ज़मीन नीचे जो मीठे पानी थे, उसको निकाल कर कराची की आबादियों तक पानी पहुंचाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। उस वक्त ना हब डैम था, उस वक्त ना कैंजर झील था, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये डमलोटियाँ थी जो कि आप के मुख्तलिफ जो कुएँ से पानी निकाल कर मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो फराहम करते थे। खारादर से लेकर रतन तलाव तक जो पानी फराहम किया जाता था, वो इन्हीं कुओं से निकाल कर जो है वो फराहम किया जाता था। आज फिर यानी कि आज की अगर मैं बात करूं, तो आज फिर उन्हीं जो प्लानिंग थी जो अंग्रेज़ों ने की थी, आज उन्हीं को हम इस्तेमाल करके जो है कराची शहर में जो पानी का जो मसला है उसमें कुछ हद तक कमी करने के लिए, जो है पानी की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए, इन डमलोटियों को यानी कि इन कुओं को जो है वो दोबारा से बहाल करने के लिए जो है वो तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। इस वक्त जो है वो 2 से 3 रोज़ पहले जो है वो वज़ीर बल्दियात ने यहाँ का दौरा भी किया, और इन्होंने देखा कि जी ये तो हमारे लिए तो किसी सोने से कम नहीं है। मतलब आप देखिए, शहर कराची में पानी का बड़ा मसला है, अगर इन डमलोटियों के ज़रिए जो है वो अगर पानी निकाल कर जो है वो शहर में दोबारा से सप्लाई करने का काम शुरू करते हैं। उस वक्त 16 डमलोटी थी, लेकिन अब हमारे पास जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है अब कम हो गई। आपको पता है पुराना जो 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 कुएँ थे वो 16 थे, अब हमारे पास सिर्फ 6 बच गए हैं, क्योंकि असल उसकी बड़ी वजह ये है कि जी रेती बजरी हम लोगों ने सब जो है वो कुदरती वसाइल को जो है वो तबाह कर दिया है। उसके बाद जी बस अब ये 6 बच गए हैं, अब इन 6 को इस्तेमाल करेंगे, और इसमें से 20 मिलियन गैलन पर डे जो है वो पानी निकाला जाएगा, जो कि कराची की आबादियों को फराहम किया जाएगा। उससे ये है कि पानी तो खैर जो है वो पूरा तो नहीं पहुँचेगा, लेकिन कम अज़ कम कुछ हद तक जो है उन आबादियों को जो है वो पानी मिलेगा। तो बात शायद बहुत हो गई हिस्ट्री की, अब मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये अंदर लेकर जाऊंगा आपको कुएं में, और दिखाऊंगा अंदर, तो कुएं के अंदर तो लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ऊपर से दिखाऊंगा कितनी खूबसूरत जगह है ये। आ जाइए
ग्रेटर कराची की हम बात करते हैं, कराची शहर में पुराने जो काम किए गए हैं वो आज भी हमें काम आ रहे हैं। अगर आप ट्रांसपोर्ट के सिस्टम की बात करें तो ट्राम सिस्टम हमारा बेहतरीन था, हमने उसको ख़राब कर दिया। कराची सर्कुलर रेलवे या फिर ट्रैक ले लें या फिर डबल डेकर बसेस ले लें, ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई कराची शहर में एक जदीद ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था और पानी की सप्लाई के लिए भी उन्होंने वो काम किया जो कि बेहतरीन था। अब इस वक्त अगर कैमरामैन आपको दिखाएं, ये कुआं है, इस कुएं के नीचे जो है वो पानी है। इसके ऊपर कई सालों से जो है वो सुना था कि जी काम होगा। ये जो कुएं हैं ये 1976 में जो है इनको बंद कर दिया गया था और उसके बाद जो है इसको लावारिस छोड़ दिया गया। जिस तरीके से पुराने ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को लावारिस छोड़ दिया तो ऐसे ही पानी के सिस्टम को जो है वो भी लावारिस छोड़ दिया। फिर उसके बाद आपने देखा कि जी कैंजर झील और जो हब डैम है उसके ज़रिए जो है वो कराची शहर को पानी पहुँचाया जाता है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, 16 कुएँ थे और 60 मिलियन गैलन पर डे उस वक्त कराची शहर को दिया जा रहा था। आज जो है जो प्लानिंग की गई है उसके मुताबिक जो 6 जो डमरोटी हैं उसके ज़रिए जो पानी निकाला जाएगा वो 20 मिलियन गैलन पर डे निकाला जाएगा जो कि शहरियों तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप जगह के बारे में अंदाज़ा लगाएं कितनी खूबसूरत ये जगह है और ठंडक इतनी है, मतलब मैं वहाँ से निकल के जब इस इमारत के नीचे आया हूँ तो मुझे इतनी ठंडक महसूस हो रही है। पुरानी इमारतें हैं, जोधपुरी पत्थर यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों की जो तामीरशुदा इमारतें हैं वो तो समझ लें कि आसार कदीमा है हमारे लिए और नायाब चीज़ें हैं हमारे लिए, समझ लें इसको तो मतलब हमें महफूज बनाना चाहिए। तो बहरहाल ये कुआं है और इस कुएं में जो है वो पानी नीचे है क्योंकि 2020 में जो बारिशें हुई थी तो इस की जो सतह थी वो ऊपर आ गई। पहले ये बात होती थी कि जी अभी तो इसमें पानी की सतह जो है वो नीचे चली गई है, इसको बहाल करना बेकार है, लेकिन अब जो है इसके ऊपर अमली काम शुरू कर दिया है। चंद दिनों में यानी कि अभी ऑफिशियल जो अपनी विजिट कर रहे हैं उसके बाद फिर रिपोर्टें तैयार की जाएंगी, उसके बाद फिर अमली तौर पर काम शुरू किया जाएगा। अगर ये सारा काम हो जाता है तो बड़ा बेहतरीन काम हो जाएगा। तो चलिए आगे भी आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। आपने कुओं को तो विज़िट कर लिया, अब कुएं से पानी शहर तक कैसे पहुंचता था इसके बारे में हम बात करते हैं। जी ये कुएं हैं, इसके नीचे पानी था और ये जो आपको मशीन नज़र आ रही है जो आपको टायर जैसे बने हुए हैं, ये मशीन पूरी आगे तक जाती थी फिर उसके बाद फिर पीछे आती थी। पहले ये जो मशीन चलाया करते थे ये स्ट्रीम से चलाया करते थे, कोयले से चलती थी और ये आप देखें कि जी कोयले से मतलब काम करते थे और कितना ज़बरदस्त काम होता था। यानी कि जो मोटरें और जो यानी सॉरी जो पाइपलाइनें जो बिछी हुई थी जो एक इलाके तक पहुंचती थी उसके लिए स्ट्रीम इस्तेमाल करते थे। फिर बाद में जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता गया तो उन्होंने जो है वो इस इंजन को ऑयल पर मुंतकिल कर दिया और फिर ऑयल के ज़रिए जो है इसको पानी की जो सप्लाई थी उसको बरकरार रखते थे। तो आइए आगे चलते हैं। जी डमलोटी में आपने विज़िट किया और डमलोटी से पानी किस तरीके से निकालते हैं, पाइपलाइन किधर जा रही है वो हम आपको पोर्शन दिखाते हैं। आइए चलते हैं। ये पोर्शन जो है कितना खूबसूरत बनाया है, इसकी आप बिल्डिंग की इमारत देखें और कितने ज़बरदस्त किस्म के पत्थर हैं। और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर ये पानी जो है वो अंदर यानी कि उस कुएँ से निकाल कर पानी इस जगह पर डाला जाता है। ये आप देख सकते हैं कि जी पानी इस वक्त जो है वो पानी का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ से पानी निकल कर जो है वो सीधा आपका पानी निकाल कर जो है वो सीधा जो है मतलब मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो छोड़ा जाता है। अगर इन 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 डमलोटीज़ को मुकम्मल तौर पर अगर बहाल कर दिया जाए तो मलीर का बेशतर हिस्सा जो है वो पानी से महरूम नहीं होगा। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी जो पानी कुएं से बराह रास्त इस लाइन के ज़रिए जो आ रहा है आपको दिखाते हैं, इसका प्रेशर चेक करवाते हैं कि जी कितना ज़बरदस्त जो है वो प्रेशर है इसका, ये आप अंदाज़ा लगा लें। ये कुएं से निकाला हुआ पानी है, बेशक आप चाहें तो इसको इस्तेमाल करें, ये कोई खारा पानी नहीं है, ये मीठा पानी है और ये पीने लायक पानी है, मतलब मीठा पानी है। मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगा, इसको कोशिश करूँगा कि फ़ौरन इसको बंद कर दूँ क्योंकि शहर कराची में जो है पानी का शदीद मसला है। और आप अंदाज़ा लगा लें कि जी कि एक और कुआं जो है एक मेरे सामने, कैमरामैन आपको लेकर चलें, जो पानी आ रहा था वो इस जगह से आ रहा था और ये कुआं देखें। आजकल के दौर के लोग क्या बना सकते हैं ऐसा कुआं, नीचे पानी है और नीचे देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का फ्रेम तैयार किया गया है, सीढ़ियां लगाई गई हैं, फ्रेम तैयार किया गया, लोहे का फ्रेम है और ये लोहा भी कोई हल्का लोहा नहीं है, ये इतना मज़बूत लोहा है
और इसका पूरा स्ट्रक्चर है पूरा, आप ऊपर से देखें इसका फ्रेम बनाया गया है, नीचे इसका पानी है, बड़ा बेहतरीन किस्म के, मतलब यार मतलब अब मैं तो बड़ा इम्प्रेस हूँ। अब हमारे पास कैंजर झील भी है, हमारे पास हब डैम भी है, अगर वो पानी कराची शहर में ईमानदारी के साथ शहर को मिले, शहरियों को मिले, तो तमाम इलाकों को पानी मिलेगा। और इसके अलावा जो DHA में हम देखते हैं कि जी वहाँ टैंकर के ज़रिए जो है वो पानी पहुँचाया जाता है, तो वहाँ पर भी मिलने लगेगा। कराची में पानी इतना है कि पूरे कराची शहर को मिल सकता है, यहाँ तक कि ये जो बहरिया की बातें हो रही हैं बहरिया को भी मिल सकता है, लेकिन शर्त ये है उसके ऊपर ईमानदारी से काम करें। बेशतर लाइनें हमारी ऐसी है पानी की जो कि चौक हो जाती हैं, पानी वहाँ ज़ाया हो रहा है, कितने मिलियन गैलन जो है वहाँ पानी ज़ाया हो जाता है। फिर कोई वीडियो आती है उसके बाद वाटर बोर्ड जो है वो सोते हुए जागता है और उसके बाद वहाँ जाकर जो है वो काम करता है और उसके बाद उस लाइनों को मरम्मत का काम किया जाता है। ऐसे बेशुमार जो है वो लीकेज हैं जहाँ से पानी ज़ाया होता है। तो बहरहाल ये हमारा अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो ज़खीरा है और अंग्रेज़ों ने इसको जो है वो बड़े भरपूर तरीके से जो है वो बनाया, और आज भी हम यानी कि 18वीं सदी का काम जो है वो 21वीं सदी में हम काम ले रहे हैं। तो ये पानी जो है वो हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। मलीर के आसपास के इलाकों को भी जो है वो इंशाअल्लाह जब ये 6 कुएँ हैं अगर इसके ऊपर मुकम्मल बहाली का काम शुरू हो जाए और उसको पानी की फ्राहमी का काम हो जाए तो पानी का बेशतर मसला जो है वो हल हो जाएगा। जी एक कुआं आपने देख लिया, दूसरा कुआं भी आपने देखा, अब हम आपको लेकर चल रहे हैं जी इंजन रूम में। ये इंजन रूम है और कितना पुराना इंजन है कि आप देख लें कि आज के दौर के जो है वो इंजन हमें ऐसे देखने को नहीं मिलते, पायदार मजबूत। इसके आप देखें, अगर इसके रिंग देखें आप, कितने बड़े रिंग है। और ये पहले स्ट्रीम से चलाया करते थे जी, कोयले से चलता था और उसके बाद फिर जो है वो ऑयल पर मुंतकिल किया और ये इसकी पूरी लाइनें शाइन है। तो आइए, ये इंजन तो आपने देख लिया, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे। अब मलीर का इलाका जो है वो हरियाली से ही है और हरियाली जहाँ ना हो तो वो इलाके जो है वो बेकार हो जाते हैं। इस वक्त मलीर में जगह जगह में जो है वो हरियाली देखने को मिल रही है। और एक ख़ास बात ये है कि जी कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना वो मलीर में रहना इसलिए पसंद करते थे क्योंकि यहाँ पर हरियाली ज़्यादा थी। तो कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना का चूँकि रेस्ट हाउस भी है आगे की तरफ, वो रेस्ट हाउस में रहते थे और कभी कभी जो है वो यहाँ भी विज़िट करते थे। और ये सारी जगह जो है वो बड़ी खूबसूरत है और हमारे जो फाउंडर है पाकिस्तान के उनको भी ये जगह बड़ी पसंद थी। और ये जगह जो है वो हमारे लिए मतलब कि खूबसूरती के साथ साथ खुशगवार भी है, मतलब जो मौसम की जो जो सख्ती है उसमें जो है वो कमी करती है। और बड़े अच्छे अच्छे जो है वो पौधे लगे हुए हैं, नीम के दरख्त और पता नहीं बादाम के, पता नहीं कौन कौन से बड़े बेहतरीन से दरख्त लगाए हैं। तो इस जगह को जो है वो ठंडक में रखे हुए हैं। तो जी आपने कुएँ भी देख लिए, आपने यहाँ की हरियाली भी देख ली, आपने सारी चीज़ें देख ली, तो फिर अब मेरा क्या काम है। अल्लाह हाफिज़।